मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा कहते, सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। और बाबा ने प्रश्न पूछा है कि कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, और उसके उत्तर में बाबा हमें बता रहे हैं कि पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवड बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बाबा कहते, अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है कि वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बाबा कहते, जिसको निश्चय हो गया वो पुरुषार्थ में लग जाते हैं और बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, बच्चे यह तो जानते हैं कि सत्युग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, हर एक चीज गुड, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। बाबा कहते, यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। बाबा कहते, सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियां हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगाकर फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? बाबा कहते, कौन सा ईश्वर सिखाता है? निराकार बाप। बाबा कहते, बुद्धि से काम लो, गुरु लोगों की बहुत मत है। गुरु लोग कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साई बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं, कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। बाबा कहते, अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई ना कोई साधु सन्यासी पंडित आदि जरूर होंगे। बाबा कहते, लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सत्युग में कथाएं आदि होती नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम मम्मा बाबा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। बाबा कहते, ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। बाबा कहते, गाया भी जाता है। क्या गाते हैं हम? सत्संग तारे और जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी देह अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों
आत्माओं को सिखाता हूँ। यह रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं, बाकी सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों सृष्टि के आधी मध्य अंत को जानने वाला हूँ, अथॉरिटी मैं हूँ। और बाबा ने कहा वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं, अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सेल्वेज कर रहे हैं, तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सेल्वेज करते हैं। सेल्वेशन माना छुड़ाना, बाबा हमारे द्वारा छुड़ा रहे हैं सबको। पहले हमें सेल्वेट करते हैं, हमें छुड़ाते हैं दुख से, फिर हमारे द्वारा औरों को दुख से छुड़ाते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था अब नरक बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई आकर ऐसा सागर के नीचे नहीं है, तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सत्युग त्रेता है सतो प्रधान, यह बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। यह पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितनी एड्रेशन करप्शन है, कितनी मिलावट है। बाबा कहते हैं भ्रष्टाचार है कितना। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले। डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। बाबा कहते कमाई कितनी बड़ी है, यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले। बाबा कहते वह है जिस्मानी गुरु और ये है रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है। बाबा कहते ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ है, किस शरीर द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा। तो बाबा कहते सामने दिख ब्रह्मा तन रहा है लेकिन बुद्धि किस तरफ है, हमारी शिव बाबा की तरफ। बाबा कहते उन सत्संग में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी और हमारी बुद्धि किस तरफ जाएगी, शिव बाबा की तरफ। बाबा कहते वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह तो एक है ना। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूं तो इनके तन का आधार लेता हूं, तो यह हमारी स्त्री भी है। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि मैं इसके तन का आधार लेता हूँ, इनके बिना मैं तुमको कैसे अपना बनाऊं, कैसे तुमसे बात करूं, मुझे शरीर तो चाहिए ना बोलने के लिए। तो बाबा कहते मैं इनके तन का आधार लेता हूँ, तो तन का आधार लेता हूँ तो ये मेरी ब्रह्मा मेरी स्त्री भी है तो मेरा बच्चा भी है। इसके तन का आधार लिए तो स्त्री है, इसको भी ज्ञान सुनाता हूँ तो ये मेरा बच्चा भी है। बाबा कहते इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो हम बच्चे ब्रह्मा मुख से सुने तो हम भी अडॉप्ट कर लिए गए शिव बाबा के द्वारा। तो बाबा कहते आप इस ब्रह्मा के द्वारा आपको अडॉप्ट किया तो आप ब्रह्मा आपकी मम्मा भी हो गई, बड़ी माँ भी हो गई, है ना। तो बाबा कहते इनकी कोई माँ नहीं है, तो सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। तो सरस्वती जगत अम्बा उनको मुकर्रर किया गया है तुम्हारी संभाल के लिए। तो सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी ये छोटी मम्मा है। बाबा कहते ये बड़ी गुह्य बातें हैं, बहुत डीप सूक्ष्म है। तुम अभी ये गुप्त पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है।
यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। बाबा कहते कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो, इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते तुमको सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनाता हूँ। मैंने तुमको रायोग सिखाया जिससे तुमने प्रलब्ध पाई, फिर ज्ञान खलास हो गया। बाबा कहते फिर परंपरा कैसे चल सकता है, वहां कोई शास्त्र आदि होते नहीं, और धर्म वाले इस्लामी बोधी आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता। बाबा कहते उनका परंपरा चलता है, सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वह बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। बाबा कहते ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे व ज्योति में समा जाएंगे। बाबा ने कहा ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म महतत्व जहां सब आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते हमारा पहले मंदिर वह है, पवित्र आत्माएं वहां रहती हैं। यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनते हो राज राजेश्वरी। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस बिलवर्ड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहते कईयों की बुद्धि में यह बैठता भी नहीं, इतने बैठे हैं इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। बाबा कहते जो भी बच्चे सामने बैठे ना, 100% निश्चय बुद्धि कोई नहीं है, कोई 80%, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं। बाबा कहते कोई 50% भी नहीं है, वह तो बिल्कुल फेलियर हुआ ना। नंबरवार जरूर हैं, बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है। बाबा कहते कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा निश्चय हो भी जाए परंतु माया कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। यह ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की है। तत्वम तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है। बाबा कहते 21 जन्म सुख पाया फिर भगत बने हो, भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी यह अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बाबा कहते उनको वैराग्य आता है घर बार से, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाबा कहते सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान हो गए हैं। बाबा कहते अब उनमें कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुंचे हैं। बाबा कहते कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है कि हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं। बाबा कहते लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे, अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आया है यह दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, बाकी तो ये वैरायटी झाड़ हैं, सो एक जैसे कैसे होगा, कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, बाबा कहते उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं, द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम जानते हो पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। बाबा कहते निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं,
हमको ही जाना है फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, बाबा कहते पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का न पांडवों का है। बाबा कहते वह भी प्रजा, तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परम पिता परमात्मा। बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। बाबा के मदद के बिना हम माया पर जीत नहीं पहन सकते। बाबा कहते मैं ही सिखाता हूँ कि किस तरीके से जीत पहननी माया पर, क्योंकि माया भी बहुत बलवान है। बाबा कहते तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े से बड़ी हिंसा कहा जाता है। सत्युग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता है। बाबा कहते यहाँ तो दोनों है। काम कटारी है आधी मध्य अंत, दुख देती है। बाबा ने कहा तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, यहां से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। बाबा कहते इस समय तुम क्या करते हो, एकदम जंप मारते हो। 84 पौड़ियां उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहां से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। बाबा कहते सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देता है, सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाबा कहते बाप। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह बुद्धि में याद रखना है, अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है, हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। बाबा कहते पहले बाबा को याद करो, वह ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे, ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है, वे कैसे पावन बनाते हैं यह दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तुम बच्चे जयंती मनाते हो, कब आया यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते? बाबा कहते साक्षात्कार बहुत होते हैं, पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है, अब यथार्थ मालूम हुआ है। सत्य बात तो अब मालूम हुई है क्योंकि बाप ने स्वयं बताई है, तो बाबा दिन प्रतिदिन गुहे बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। बाबा कहते आप साधारण बच्चे हो, लेकिन आप नॉलेज कौन सी पढ़ रहे हो, बड़ी तो बड़ी नॉलेज। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। और दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा पांडव बन। सबको रूहानी यात्रा करानी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। और बाबा ने वरदान दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। बाबा कहते जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी क्या करती है, घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, तो विजयी बन जाएंगे।
बाबा कहते हैं विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही यह माया के छोटे छोटे रूप हैं, हमारे लिए छोटी छोटी हर्डल्स हैं कि हम उनको क्रॉस करें और हमें एक और कॉन्फिडेंस आता जाए कि हम विजयी बन सकते हैं। इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। बाबा कहते हैं कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। और स्लोगन है हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी हैं तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी हैं तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। ओम शांति।